बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स वेरिएशनल कैलकुलस के हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इस सिलसिले में आज जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रीरोबल डैश स्केयर माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र डी एक्स एंड द बाउंड्री कंडीशन वाई एफ़ जीरो जिकोल टू वन वाई एफ़ फाई बाई टू इज इक्वल जीरो वाई डैश जीरो जीरो एंड वाई डैश फाई बाई टू इज टू वन ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बी एस मैथ के टू थाउजेंड नाइनटीन के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया ने जो पहला जो हम इससे पहले हम कर चुके हैं उसमें आइलर लगरांज इक्वेशन कुछ और यूज़ की गई थी और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आइलर लर इक्वेशन कुछ और, और होगी तो उसकी अगर आप याद करें कि जो पिछला लेक्चर था उसमें वाई डबल डैश नहीं था तो जब वाई डबल डैश आ जा जाए तो फिर लगरांज इक्वेशन जो है वो तब्दील हो जाएगी तो मैं अभी आपको वो जो इसकी करस्पॉन्डिंग लगरांज इक्वेशन होगी वो भी लिख के देता हूँ और फिर उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम सोलूशन की तरफ चलते हैं सोल्यूशन में आप सबको पता है एफ कैपिटल एफ इज इक्वल टू वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ये कैपिटल एफ है और इसके कॉरस्पोंडिंग जो लगरांज इक्वेजन आनी है वो क्या है एंड कॉरस्पोंडिंग आयलर लग्रांज इक्वेजन इज जी वो हैं पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डैश प्लस डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेर पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो ये नई टर्म ऐड हुई है जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें नहीं थी तो ये उसकी एक्सटेंशन होगी ये पता चल गया कि अगर एफ जो है उसमें वाई डबल डैश हो तो फिर ये पार्ट आ जाएगा डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डबल डैश इसी तरह अगर इसमें वाई ट्रिपल डैश होता तो फिर इसकी एक्सटेंशन आती माइनस और डी क्यूब ओवर डी एक्स स्क्र एफ और पार्शियल वाई ट्रिपल डैश ऑल्टरनेटिव साइंस चलते हैं और उनके चलते हैं बिल्कुल आप देखें सिमेट्रिक है पार्शियल एफ और पार्शियल वाई जब लिया गया तो उसका डायरेक्टिव नहीं लिया गया उसके बाद वाई डैश के रिस्पेक्ट जब डायरेक्टर लिया गया तो एक डायरेक्टिव ये भी लिया गया जब वाई डैश के रिस्पेक्ट डबल डायरेक्टर लेंगे तो फिर ये ये भी डबल डायरेक्टिव हो गया तो सिमेट्री नज़र आ रही है पार्शियल एफ और पार्शियल वाई का कोई डायरेक्टर नहीं दिया पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डैश का एक डायरेक्टर ले रहे हैं पार्शल एफ़ और पार्शल वाई डबल डैश का डबल डायरेट ले रहे हैं और ऑल्टरनेटिव साइन चल रहे हैं अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं इसको ज़रा शॉर्टकट में करता हूँ तो शॉर्टकट में इस तरह करूँगा कि ये आपके सामने है एफ और इसमें आपको वाई नज़र आ रहा है वो क्या है माइनस वाई स्क्वेयर जब मैं इसका पार्शल डायरेट स्पेक्ट टू वाई लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा वह आ जाएगा माइनस टू वाई क्लियर होगी बात पार्शल एफ़ और पार्शल वाई जब मैं लूँगा ये हो जाएगा इसका डायरेक्टर सिर्फ आना है जो कि माइनस टू वाई बनना है और एक्स स्क्र भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा उसका डायरेक्टर ये आ गया इसके बाद है जी डी ओवर डी एक्स किस का लेना है पार्शल एफ और पार्शल वाई डैश आपको नज़र आ रहा है कि एफ में वाई डैश तो है ही नहीं है तो पार्शल एफ और पार्शल वाई डैश तो जीरो हो जाएगा फिर प्लस डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र पार्शल एफ और पार्शल वाई डबल डैश ये देखें ये जब वाई डबल डैश के रिस्पेक्ट डायरेक्टर लेंगे तो ओनली दिस इज द वेरिएबल एंड द ऑल आर दिमेनिंग दिस विल बिकम डबल डैश इज इक्वल टू कुल्डी क्या किया जी मैंने ये मेरे पास एफ था वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्र इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डैश वो टू वाई डबल डैश बन जाना है बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे ये आ गया अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है उसमें माइनस टू वाई और ये भी ज़रा देखें इसका डबल डॉट लेंगे तो क्या बन जाएगा टू वाई फोर इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से आप माइनस टू कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा ओनली टू अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी यानी अगर आप यहाँ से टू कॉमन लें ये रह जाएगा वाई माइनस वाई प्लस वाई फोर इज इक्ल टू जीरो या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं वाई फोर वाई फोर माइनस वाई इज इक्ल टू ज़ीरो वैसे बेसिकली अगर आप देखें तो इसको ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखेंगे डी फोर वाई माइनस वाई इज इक्ल टू ज़ीरो ये बन जाएगा डी फोर माइनस वन वाई इज इक्ल टू ज़ीरो इसको फिर हम इस फॉर्म में ले सकते हैं डी फोर माइनस वन वाई इज इक्वल ज़ीरो इसकी एग्जिलरीवेजन क्या बनती है एम एम फोर माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो और इस एक्जरीजन के हम अगर फैक्टर्स बनाएं तो एम स्क्र प्लस वन इंटू एम स्क्र माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो बाज़ अक्सर जो हैं डी ऑपरेटर की बजाय कुछ और यूज़ करके तो वो एग्जेक्टलीजन बनाते हैं मैंने वही आपको बताया है पहले डी डी फोर माइनस वन इजो जीरो भी कर सकते थे डी की रूट्स निकाल सकते हैं या फिर इसकी जगह कुछ चेंज करके भी आप कर सकते हैं एम फोर माइनस वन ये डी फोर माइनस वन जीरो लिखने के बजाय एम फोर माइनस वन जीरो लिख दिया या आपके पास जो बनता है एम स्क्यर प्लस वन इज ज़ीरो एम माइनस वन ज़ीरो एम स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन एंड हेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू वन यहाँ से अगर आप एम की वैल्यू निकालें प्लस माइनस वाटा यहाँ से एम की वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस वन सोल्यूशन फिर इक्वन का क्या आ जाएगा ये जो इक्वेजन थी मेरे पास ये वाली इक्वेजन इसका सोलूशन फिर आ जाएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आपके पास रियल रूट्स हैं ए रेस पर एक्स क्योंकि एम की वैल्यू वन है तो एक्स का कोप्शन वन आएगा प्लस बी ई रेस पर माइनस एक्स प्लस आगे आ गई हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स मैंने पहले रियल रूट्स यूज़ किए हैं रियल रूट्स जो हैं वो e की पावर एक्सपेंशियल फंक्शन जो बनता है उसमें e की पावर में x के कॉप्शन बनते हैं m की वैल्यू प्लस वन है तो e की पावर में x के कॉप्शन का वन आएगा इसी तरह m की पावर माइनस एम माइनस वन है तो भी e की पावर में x का कोप्शन माइनस वन आएगा ये तो होगी रियल रूट्स की बात और जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी इमेजनरी रूट्स होंगी तो उस सूरत में आपके पास जो सोलूशन है वो कॉज और साइन की फॉर्म में आता है तो ये आ जाएगा सी cos x प्लस डी साइन एक्स ये बेसिकली हमारा सोलूशन आ चुका है सोल्यूशन कब आ चुकी है ये हमारा एक्सट्रीमल है इसमें सिर्फ एक ही इशू है और वो इशू क्या है वो ए बी सी डी कॉन्सटेंट्स की वैल्यूज़ मालूम करना अब जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई हैं उसने उसमें वाई भी दिया हुआ है और वाई डैश भी दिया हुआ है तो फिर वाई डैश की बाउंड्री कंडीशन यूज़ करने के लिए मैं अभी से इसका डायरेक्टिव ले लेता हूँ वाई रैश एक्स किसके बराबर आएगा ए एज इज और ई e की पावर e एक्स e e का डायरेक्टिव क्या आ जाएगा ई रेस पार एक्स बी एज इज ई रेस पर माइनस एक्स का डायरेक्टिव आ जाएगा माइनस बी ई रेस पर माइनस एक्स कॉज एक्स का डायरेक्टिव क्या आना है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डायरेक्टिव क्या आना है वो आना है कॉज एक्स ये मेरे पास इक्वेशन नंबर थ्री बन गई अब हम बारी बारी जो हैं इसकी बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं वाई एफ़ ज़ीरो इज ईक्ल टू वन का मतलब क्या है जब एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया जाए तो वाई की वैल्यू वन हो तो आप ज़रा देखें एक्स की जगह ज़ीरो यानी मैं इसको यूं पुट यूं करूंगा कि वाई एफ़ ज़ीरोनि यानी इसमें मैं लिखता हूं कि इक्वेशन नंबर थ्री में पुट इक्वैजन नंबर टू में पुट करनी है ना तो मैं लिखता हूँ पुटिंग एक्स इज इक्ल टू ज़ीरो एंड वाई इज ईक्ल टू वन इन टू इस तरह से मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं पुटिंग टू एंड तो क्या हो जाएगा ये एक्स इज इक्वल टू जीरो ए e प्लस बी यानी कोई मेरे पास बनी ए प्लस बी और कॉस एक्स की जगह जीरो जीरो वन होता है प्लस सी और फिर एक्स की जगह ज़ीरो साइन जीरो क्या होता है ज़ीरो डी वाली टर्म खत्म हो गई और वाई एफ़ ज़ीरो किसके बराबर आना है वो जैसे मैंने बताया आपको कि वाई एफ़ ज़ीरो आना है वन के इक्वल तो ये वन आ गया इस इक्वेशन को हम फोर ए कर देते हैं इसी तरह दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करें यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू वाई ज़ीरो है तो अब आप ये लिखेंगे कोडिंग x is equal to pi by टू and y is equal to जीरो once again in थ्री तो क्या बनेगा थ्री आके सॉरी इन टू इक्वेजन हमारे पास टू है basically उसमें पुट करना तो x की जगह आपने pi by टू पुट किया तो आ गया ए रेस्ट पार पाई बाई टू ए रेस्ट power pi by टू फिर x की जगह pi by टू पुट किया तो आ गया बी ई रेस्ट power minus pi by टू और यहाँ पे c cos पा बाई टू किसका रबर होता है जीरो के c वाली जो खत्म हो जाएगी साइन पावर बाई टू वन होता है तो ये आ जाएगा प्लस d इज इक्वल टू क्या था जी जब x पावर बाई टू पुट करना है तो y की वैल्यू क्या आनी है जीरो तो वो आपके पास y जीरो आ गया इसको हम इक्वेजन नंबर फोर बी कह देते हैं मेरे पास अब ये दो बाउंड्री कंडीशन रह गई हैं जो अप्लाई कर रही हैं वाई डैश ये डेरेवेटि वाली हैं तो इनको मैं यहाँ पुट करूँगा पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई डैश इज इक्ल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो इसी क्वेश्चन में यानी आप पुट करेंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई डैश इज इक्वल टू जीरो एन थ्री तो क्या होगा ए माइनस बी एक्स की जगह जीरो पुट किया एक्स की जगह जीरो पुट गया ए माइनस बी रह गया यहाँ एक्स की जगह जीरो पुट गया साइन जीरो जीरो हो गया और एक्स की जगह जीरो पुट किया कॉस जीरो वन हो गया तो आपके पास आ गया प्लस डी और वाई डाय जीरो किसके इक्वल है वो जीरो के इक्वल है इसे हम फोर सी कह देते हैं कोई नंबर सी सिमिलरली आपने अब फाइनल जो बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करनी है पुटिंग एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू एंड वाई डायल टू वन इन थ्री ये इक्वेशन थ्री है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू किया तो ए रेस्ट पर पाई बाई टू माइनस बी ई रेस्ट पार माइनस पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू किसकेक्वल होता है वन के माइनस सी कॉस पाई बाई टू जीरो वो खत्म हो गया और वाई डैश पाई बाई टू जो है वो वन के इक्वल है तो ये आपके पास इक्वेजन आ गई फोर डी इस तरह से हमारे पास इक्वेजन आई हैं ए जिनको जिन सॉल्व करके सेवनटीन हम ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल सकते हैं सबसे पहले मुझे नज़र आ ये रही है कि मैं इक्वेशन फोर ए और फोर डी को अगर ऐड करूँ तो सी फारू हो सकता है तो मैं ये कहता हूँ फोर ए प्लस फोर डी क्या इंप्लाई करेगा सबसे पहले मैंने फोर लिखी ए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन और अब मैं लिख लूँ फोर डी ए रिस्ट पार फाइव बाई टू और यहाँ आएगा माइनस बी ई रेस्ट पार माइनस फाइव बाई टू माइनस सी इज इक्वल टू वन इनको चूंकि ऐड करने के लिए कहा है इनको ऐड कर दें तो ये पास A A, e two, आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए ई रेस्ट पार पाई बाई टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस बी माइनस बी ई रेस्ट पार माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू टू यहाँ से आप ए कॉमन लेते हैं वन प्लस ई रेस्ट पार पाई बाई टू यहाँ से आप बी कॉमन लेते हैं वन माइनस ई रेस पर माइनस फाइव बाई टू एंड हेयर वी हैव टू तो फॉर द टाइम बींग हम इनको एज इट इज लिख लेते हैं इक्वेजन्स ये जो आई है हमारे पास इक्वेजन इसको एज इट इज लिख लेते हैं इक्वेजन नंबर इसको कर लेते हैं फोर ई या क्या किया था मैंने मैंने इक्वेजन नंबर फोर ए और फोर डी में से सी को एलिमिनेट किया बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इक्वेशन फोर बी और फोर सी फोर बी में से फोर सी को सप्टेड करूं तो मेरे पास जो है वो डी एलिमिनेट हो जाएगा तो आप या ये कर लें फोर सी माइनस फोर बी इम्प्लाइज तो सबसे पहले आप फोर सी लिखेंगे वो क्या है ए माइनस बी प्लस डी इज इक्ल टू जीरो और फिर आप फोर बी लिखेंगे फोर बी क्या है ए टू पार पाई बाई टू प्लस बी ई टू पार माइनस पाई बाई टू प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है सब्ट्रैक्शन करने से ये डी तो इसका साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ रह जाएगा ए माइनस ए ई रेस्ट टू पार पाई बाई टू और ये माइनस बी माइनस बी ई रेज पावर माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो इस तरह से हम ग्रेजुअली कांस्टेंट डिटरमिन करने की तरह जा रहे हैं यहाँ से भी अगर आप देखें तो यहाँ ए अगर आप कॉमन लेते हैं वन माइनस ई रेज टू पावर फाइव बाई टू यहाँ से माइनस बी अगर आप कॉमन लें तो वन प्लस ई रेज पावर माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ बी की वैल्यू निकाल लूँ तो बी की वैल्यू मेरे पास आएगी इन टर्म्स ऑफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू वन माइनस ई रेस्ट पर पाई बाई टू डिवाइडेड बाई ए इंटू वन माइनस ई रेस्ट पर पाई बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस ई रेस्ट माइनस पाई बाई टू ये मेरे पास आ गई है बी की वैल्यू इसको हम फोर एफ कह देते हैं नंबरिंग आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं ये हमारे पास आ गया फोर एफ क्लियर होगी बात यहाँ तक ए बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आ गई है अच्छा जी अब ये जो बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आई है अगर मैं इसे क्वेश्चन नंबर फोर ई e में पुट करूँ तो मेरे पास चांसेस हैं कि मैं ए की वैल्यू निकाल सकूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन पुटिंग दिस इन इक्वेजन नंबर फोर ई तो मेरे पास आ जाएगा ए इंटू वन प्लस ई रेस्ट पर पाई बाई टू और बी की वैल्यू आती है ए वन माइनस ई रेस्ट पर पाई बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस ई रेस्ट पर माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू टू ये बात क्लियर हुई है क्या मैंने किया है ये जो फोर ई इक्वेजन थी उसमें ए इंटू वन प्लस सीरीज पर पाई बाई टू तो ऑलरेडी है बी की वो वाली वैल्यू मैंने फोर एफ से पुट गई है और बी की वैल्यू है ए अच्छा एक चीज़ यहाँ पे स्किप हो है, बी की वैल्यू तो पुट कर दी हमने लेकिन बी के साथ जो ये ये लिखवाता था ये रह गया तो ये जरा ध्यान से करना है बी की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी है वन माइनस ई पर पाई बाई टू और वन प्लस पर माइनस पाई बाई टू ये नहीं पुट ये भी रह गया ये क्या था वन माइनस ई रेस्ट माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू टू अब ठीक हुआ अब हम ए की वैल्यू निकालने के लिए जारी बात है ए तो ले ले लेते हैं यहाँ से कॉमन और इसका फिर लेते हैं एल्शियम इसका एल्शियम क्या आएगा वन प्लस ई रेस पार माइनस पाई बाई टू ये एल्शियम आ गया ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वन प्लस ई रेस पार फाइव बाई टू इन टू वन प्लस ई रेस्ट पार माइनस फाइव बाई टू प्लस वन माइनस ई पर पाई बाई टू एन टू वन माइनस ई रेस पर माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू और अब इसकी सिंप्लीकेशन की तरफ चलते हैं सिम्प्लीकेशन में करते हैं ए एन टू वन को वन से मल्टीप्लाई करें वन आ जाता है वन को इससे मल्टीप्लाई करें ई पर पाई बाई टू आ जाएगा और फिर ई रेस पर माइनस फाइव बाई टू को वन से मल्टीप्लाई करें ई रेस पर माइनस फाइव बाई टू और ई रेस पर फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई करें ई रेस पर फाइव बाई टू इन टू ई रेस पार माइनस फाइव बाई टू ये मैंने अभी इनकी प्रोडक्ट ली है इसके बाद प्लस ये इसकी प्रोडक्ट वन को वन से कराया वन आ गया वन को इससे कराया माइनस फाइव बाई टू इसको इससे कराएं ई रेस पर माइनस फाइव बाई टू फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस ई रेस पार पाई बाई टू इंटू ई रेस पार माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू वन प्लस ई रेस पार माइनस पाई बाई टू ठीक हो गया अब यहां देखें ई रेस पर पाई बाई टू ये डिनोमिनेट वाली टर्म है उधर ले गया था ये याद रखें ई रेस पार पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा किसके साथ ये माइनस ई रेस पर पाई बाय टू के साथ फिर ये ई पर माइनस पर बाई टू किसके साथ कैंसिल हो जाएगा इसके साथ फिर ये वाला वन और ये वाला किसके बराबर होंगे वन प्लस वन टू हो जाएगा और ये ई पर पा बाई टू पर पा बाई टू ये भी तो वन ही होगा ना ई पर पा बाई टू इन्टू इन्टू इरेस पर माइनस पा बाई टू इसी तरह यहाँ भी ई पर पा बाई टू पर माइनस पा बाई टू ये भी वन होगा तो ये बन गया टू इंटू वन प्लस पर माइनस पाई बाई टू ये सारी वर्किंग आपके सामने आ गई है ई रेस्पर E टू 2 टू माइनस सीरीज पर पावा टू दैट इज विल बी वन ई रेस्पा पावा टू इन टू माइनस सीरीज पर 4 हो गया और ये बना हमारे पास 4a ए इज इक्वल टू 2 इंटू वन प्लस ई रेस्पार माइनस पाई बाई टू या फिर a की वैल्यू आ गई वन प्लस ई पर माइनस पाव बाई टू ओवर टू ये हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली इस ए की वैल्यू को अगर हम इक्वन नंबर फोर एफ में पुट करें तो हम बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं तो आप इसको पुट कर लें इक्वेशन नंबर फोर एफ में तो पुटिंग दिस इन फोर एफ फोर एफ आपके सामने है बी आगे ए की वैल्यू आनी है वन प्लस ई रेस्ट पार माइनस फाइव बाई टू ओवर टू ये तो होगी वैल्यू ए की इसकी जगह आ गया आगे आगे और क्या चीज है वन माइनस ई रेस्ट टू पार पाई बाई टू ओवर वन प्लस ई रेस्ट पार माइनस पाई बाई टू तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ तो फिर आपके पास जो बी की वैल्यू जो है वो क्या आती है बी की वैल्यू आपके पास आ जाती है जी बताएं ज़रा बी आ गया वन माइनस ई रेस्ट पर पाइ बाई टू ओवर टू वन माइनस ई रेस्ट पर पाई बाई टू ओवर टू ये वैल्यू बी की आ गई ए की वैल्यू भी फाइंड होगी बी की भी फाइंड होगी अब हम ये इक्वेशन अगर पिक करें इक्वेशन नंबर फोर ए तो यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू फाइंड की जा सकती है तो हम लिखते हैं बीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन फोर ए तो क्या हमारे पास आता है और उसको फिर सिंपलीफाई भी ऑब्वियसली करना है जी ए की वैल्यू हमारे पास थी वन प्लस ई रेस पार माइनस फाइव बाई टू ओवर टू ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है वन माइनस वन माइनस ई रेस पार फाइव बाई टू ओवर टू ए और बी की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है अगर हम इसको इधर ही एल्सियम uh, ले कर सिंप्लीफाई करें टू आता है वन प्लस ई रेस स्पावर माइनस फाइव बाई टू वन माइनस ई रेसपावर फाइव बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू वन ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू ओवर टू लगा कर लें प्लस ई रेस्ट टू माइनस पाई बाई टू माइनस ई रेस्ट टू पाई फाइव बाई टू ओवर क्या बन गया आपके पास टू एंड प्लस सी इज इक्वल टू वन अब ये बन गया वन और प्लस सी और इसको मैं उधर ले जाऊं ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस और प्लस वन तो मौजूद है और ये वन इससे कट गया इस तरह से मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई है और वो आई है e रेस पर पाई बाई टू माइनस रेस पर माइनस पाई बाई टू और टू ये किसके बराबर होती है जी साइन हाइपरबोलिक पाई बाई टू के बराबर है ये मेरे पास C की वैल्यू आ गई अब फाइनली मुझे सिर्फ D की वैल्यू फाइंड करनी है तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मेरे पास इक्वेशन मौजूद है फोर सी यहाँ मैं ए और बी की वैल्यूज पुट करता हूँ तो मैं अब ये कहता हूँ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एंड बी फोर सी तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है वन प्लस ई e रेस्पार माइनस पाई बाई टू ओवर टू और बी की वैल्यू क्या है ए की आगे बी की वैल्यू क्या है वन माइनस ई रेज पार पाई बाई टू ओवर टू ए और बी की वैल्यूज ये मेरे पास आ गई हैं जो कि मैंने पहले आई हुई थी और मैं पुट कर रहा हूँ इनको फोर सी में और आगे प्लस डी इज इक्वल टू जीरोल्सियम लेते हैं टू आता है वन प्लस ई रेस्पार माइनस पाई बाई टू माइनस वन प्लस ई बाई टू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो वन और ये कट गया ये मेरे पास आ गया ई रेस्पार पाई बाई टू प्लस ई रेस पार माइनस पाई बाई टू ओवर टू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो आप सबको पता है कॉस हाइपरबॉलिक पाई बाई टू के बराबर होगा तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस कॉस हाइपरबॉलिक पाई बाई टू ये आप चेक कर लें डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस ए बी सी डी सारी की सारी वैल्यूज जो मैंने फाइंड कर ली हैं अब सिर्फ इतना ही करना है जो इक्वेशन मेरे पास थी इक्वेशन नंबर थ्री कौन सी थी एक्सट्रीमल कर्व की जो आपने एक्सट्रीमल कर्व मालूम करनी चाहिए वो इक्वाइन नंबर थ्री थी तो उसमें आप ये सारी की सारी वैल्यूज जो है पुट करें ए बी सी डी की एक्सट्रीमल कर्व मैंने यहां से रब कर दी हुई है लेकिन ग्रेजुअली अगर आपको याद हो तो वो थी पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर थ्री वो थी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस पर एक्स तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है ए की वैल्यू बी मैंने मिटा दी है चले याद है थोड़ी सी वन प्लस ई रेस टू पार माइनस पाई बाई टू ओवर टू ये ए की वैल्यू थी और ई रेस पर एक्स प्लस बी बी की वैल्यू वो सामने लिखी हुई है वन माइनस ई रेस्ट टू पावर पाई बाई टू 2 टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस सी और सी की वैल्यू क्या है साइन हाइपरबॉलिक पाई बाई टू साइन हाइपरबॉलिक पाई बाई टू और साथ क्या था कॉज एक्स और प्लस डी डी की वैल्यू अपनी नेगेटिव है तो वो आ जाएगी माइनस कॉज हाइपरबॉलिक पाई बाई टू और फिर साइन एक्स दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ये जो हमने एक्स्ट्रीमल फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया कब फाइंड कर लिया है जो गिवन uh, फंक्शनल था और जो बाउंड्री कंडीशंस थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सट्रीमल हमने फाइंड कर लिया थैंक यू वेरी मच